अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन एक फ्लैट नोट विटनेस किया गया, लेकिन सम हाउ आज का क्लोजर भी नेगेटिव जोन में दिखाई दिया, यानी कि आज की मार्केट की परफॉर्मेंस रेड टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी गई। कल भी मार्केट ने एक नेगेटिव जोन में ट्रेड किया था, आज के दिन मार्केट में एक हम कह सकते हैं स्लाइट नेगेटिव है, लेकिन मार्केट की जो एक ट्रेंड है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि अगेन वही रीजन्स हैं, वही चीज़ें हैं जो कल भी आपसे डिस्कस की और लास्ट वीक भी डिस्कस करते हुए दिखाई दिए, कि यही प्लान जो आईएमएफ का दिखाई दे रहा है, आईएमएफ से पैसे आएंगे तो तमाम चीजें, तमाम बिजनेसेस, तमाम जो एक्टिविटीज हैं जो अभी थोड़ी सी साइलेंट या थोड़ी सी अभी स्टक पोजीशन में है वो वर्कआउट करते हुए दिखाई देंगी। थोड़ी सी एफडीआई के हवाले से बात करते रहे तो यहां पर एफडीआई की सूरत में सिर्फ हमें यूएस की जानिब से थोड़ा सा बिजनेस आते हुए दिखाई दे रहा है। एफडीआई पाकिस्तान की मार्केट से मिसिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों है? आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, एफडीआई क्यों नहीं आती, स्टेबिलिटी हमारे यहाँ क्यों नहीं आती, क्या स्टेबिलिटी की जो एक नेगेटिविटी है वो एफडीआई को हर्ट कर रही है, वो एफडीआई को जो है वो पाकिस्तान से शेड कर रही है, ये आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ मार्केट की पोजीशंस की बात करें तो मार्केट में नंबर्स क्यों स्ट्रांग नहीं हो रहे, इन्वेस्टर्स कॉशियस क्यों हैं, और साथ साथ मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग हो सकते हैं अगर कोई ट्रिगर न्यूज आ जाए, क्योंकि अभी हम वेट एंड सी की पोजिशन में है। मार्केट की प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत अट्रैक्टिव है, यहाँ पे ब्लू चिप के अंदर इतना चार्म दिखाई देता है, और साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से बात की जाए तो बिजनेसेस काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, बिजनेस कम्युनिटी के चाहते हैं कि उनके बिजनेस फ्लरिश करें, लेकिन सम हाउ अभी सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी पॉज हुई हुई है। क्यों हुई हुई है आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ एक्चुअली क्यों डिले हो रहा है, अब ये चीज़ें पॉइंटर्स या फिर हम ये जो इनकी कंडीशनलिटीज थी वो मीट करते करते हुए थक गए हैं, पोलिटिसाइज हो रहा है मामला, कुछ एनालिसिस हमारे पास ये मौजूद है। कुछ का कहना ये है कि पाकिस्तान में अब फाइनली रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो ज़रूरी हैं, और अब वो वक्त आ गया है कि फाइनली एक विजन सेट कर लिया जाए, कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिनको अब बना लिया जाए, अब उनसे जो है वो कहते हैं ना कि उनको कंसिस्टेंट बनाया जाए और उनसे अब दूर नहीं भागा जा सकता। तो आज हम ये अपने गेस्ट से ज़रूर पूछेंगे कि क्या रीजंस हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज जो है वो थोड़ी सी कंसिस्टेंट नहीं होती। रशियन कंसोर्शियम ने पाकिस्तान का विजिट किया है, कुछ प्रपोजल्स हैं डैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और ख़ासकर पावर जनरेशन के हवाले से, वो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ पॉलिसी ट्रेंड क्या होगा, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है, वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनसे डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के और एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब, आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं फातमी साहब से। फातमी साहब बताइए कि इकोनॉमिक कंडीशन और साथ साथ आईएमएफ का डिले क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितनी कंडीशनलिटीज हमने मीट कर ली हैं। अगेन उन्होंने बोला, आज ये भी कहा कि चले पाकिस्तान ने कुछ अच्छा किया है, फिर उन्होंने कुछ पॉइंटर्स दे दिए। देखिए, असल में कहीं ना कहीं हमें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपनी पॉलिसीज पे, अपने फैसलों पे और अपने गरिमा में झांकने की ज़रूरत है। बहुत सारी शरायत उन्होंने लगाई, और ये बहुत बड़ी बात है कि मौजूदा हुकूमत ने तमाम शरायत पर बहालत मजबूरी या मरता क्या न करता मानते चले गए, और ये वो तमाम शरायत हैं जिसमें दो बातें बिल्कुल साफ हैं मौजूदा हुकूमत के लिए। एक ये कि आवाम की नाराज़ी, यानी लोग नाराज़ हैं, और दूसरी ये महंगाई, कीमतों में इजाफा, जिसकी वजह से अगला इलेक्शन अफेक्टेड हो सकता है, यानी इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। उसके बावजूद भी उन्होंने कोशिश किया कि अगर मुल्क के लिए ये कुर्बानी दी जा सकती तो दें। बकौल फैज़ अहमद फैज़ के, हम पे तो गुजरी जो गुजरी मगर शब हिजरा, हमारे क्या क्या शेर है यार, हमारे कुछ इसी तरह का है कि तेरी ज़िंदगी संवार चले। तो मैं वही कहूँगा कि इन्होंने बहुत सख्ती झेली। अच्छा, अब हो गया, मंडे को उनके पास इतर पेरिस साहब का जो है, जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में, उनका बयान आया किसी सवाल के जवाब में कि नहीं, पाकिस्तान ने अपनी बहुत सारी जो शरायत थी मान ली, एंड वी आर वेरी क्लोज टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ मीटिंग। तो हमें उम्मीद हो गई।
लेकिन अब देखिए कमाल देखिए कि मुझे नहीं पता कि हुकूमत में क्या मसलहत थी क्या नहीं, कि उसी दिन फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया सब्सिडी की, आपको पता है, जिसमें पेट्रोल की कीमत 50 रुपये कम कर दिया उन्होंने बाइक के लिए और छोटी गाड़ियों 800 सीसी की गाड़ियों के लिए। उसके लिए जवाब भी हालांकि हुकूमत ने दिया कि ये 50 रुपये हम कवर कर लेंगे बड़ी गाड़ियों से, यही काम। लेकिन फिर गंदुम पे 73 बिलियन की दे दिया, तो इससे गोया फिर भावें चढ़ गई उनकी। अब मुझे नहीं मालूम, ये तो हुकूमत ही बेहतर समझती, एक ही वक्त में क्या वो दो दिन रुक जाते तो कोई बड़ा फर्क आ जाता, क्योंकि अगर IMF महसूस ये होता है कि जब भी IMF बिल्कुल अप्रूवल के करीब पहुंचती हमसे कोई गलती हिमाकत या कोई ऐसी बात हो जाती जिससे मामला बिगड़ जाता है, महबूब रूठ जाता है ना बिल्कुल आखिर वक्त में, तो उसी तरह हमारा हाल है। देखिए ना पूरी कौम को यकीन दिलाते कि अब हुआ अब हुआ अब हुआ और फिर गड़बड़ हो जाता। तो पहली बात तो ये कि अगर तो मंडे को उनका ये बयान था कि वी आर वेरी क्लोज टू द डील जिस पे खुशियां मनाई जा रही थी, फिर ये फैसला, अच्छा ये बात तय है कि उन्होंने, अच्छा वो भी ये, वो ये नहीं कह रहे कि आपने ये फैसला क्यों किया, वो ये कह रहे हैं आपने हमारे कॉन्सेंट के बगैर किया, मतलब हमें बता ही नहीं आपने ना, बाला बाला कर लिया। तो बिल्कुल इसकी ऐसी मिसाल है कि मैं आपसे कर्ज भी लूं और आपको बताए बगैर एक और साहब से कर्ज लेके दूसरी जगह ये खा जाऊं, तो ये है ना। इस बात को हमारी नेशनल पॉलिसी में डिस्कस करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्योंकि हम एक ऐसे दौर में पाकिस्तान में फंसे हुए हैं जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मॉइल से गुजरा है, यानी बिल्कुल आतिशफशा है ना, आप देख रहे हैं रोज़ाना के सड़क का तमाशा, हंगामा, शहरें। तो हम इस मुल्क के, रमज़ान 2 दिन के बाद है, रमज़ान अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, ये बेहतरीन महीना मुसलमानों के लिए 2 नंबर काम करके पैसे कमाने का। अब ये भी बदकिस्मती, माने चाहे नहीं माने, 2 रुपये की चीज़ 20 रुपये में हम बेचते हैं और फकरिया बेचते हैं, और जो पैसे 18 बचते उससे उम्रा कराते हैं आखिरी 7 दिन में, तो ये हमारी प्रैक्टिस है, यू कॉन्ट चेंज इट। तो अब देखना ये है कि रमज़ान में जो महंगाई बढ़ेगी वो कैसे फेस करेंगे। अच्छा फिर सोशल मीडिया ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया, अच्छा पूरी दुनिया में, मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, अमेरिकन इससे ज़्यादा परेशान है सोशल, बल्कि आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल है कि हाउ टू कंट्रोल ये जो टिकटॉक वगैरह को, ये तो जो चाहते हैं बोल देते हैं। अभी मैं परसों ही देख रहा था कोई साहब दिखा रहे थे कि गंदुम की बोरी है उसमें से रेती निकल रही है, अब अच्छा। मुझे नहीं पता कि सही है गलत है, तो अल्लाह ही बेहतर जाने, फोटोग्राफी का सोशल कमाल मीडिया हाँ? एक्चुअली आपके पास रूमर्स फैलाने हाँ, के लिए बहुत तेज। तो सवाल ये कि वो दिखा, अच्छा बाकायदा मतलब वो भी कर रहे हैं कमेंट्री भी कर रहे हैं कि देखिए साहब ये हुकूमत बोरी दे रही है इसमें से कंकर निकल रहा है, कंकर, यही कंकर आपको खिलाएंगे हम लोग, मतलब ये भी मार दिया उन्होंने आपको कि यही खिलाएं। तो ये वो चीज है जो मैं समझ रहा हूँ कि IMF और हमारे दरमियान सबसे बड़ी, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जून तक तकरीबन $3 बिलियन अदा करना, एक साल में तकरीबन $12 बिलियन हमारे ऊपर कर्ज है। तो ये तमाम तलवार लटकने के बाद जो हम IMF से अगर इस किस्म की डील, या तो मैंने उस दिन शायद आपको बेख्याली में गलत लफ्ज भी कह दिया था कि या तो आप इतने बड़े मर्द मुजाहिद हो कि आपने कहा ऐसी की तैसी यार हम तो उतर गए मैदान में, जो होगा होगा, मेरी एक अच्छा वो भी कैफियत नहीं क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है, हमारे 22 करोड़ आवाम है। अच्छा इस पे बहुत सारी देखिए है क्या, अभी अमीन साहब भी देंगे दलाइल तो बहुत है हमारे पास, न ज़हीन लोगों की कमी है, कमी अगर है प्रॉब्लम है तो दो है, अवाम में जनरल शऊर पैदा करने की और सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट करने की, ये दोनों में इतना बड़ा गैप है कि अगर आप संजीदगी से भी कोई बात कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहें तो अवाम को एक्सेप्ट नहीं, यानी देखें ना मुल्क के जो हालात हैं कुछ छुपे हुए तो नहीं है, रोज़ाना खुदकुशियाँ भी हो रही हैं, 30-40 हज़ार कमाने वाला आदमी बेबस भी है, मारा चल रहा, ऐसी सूरत में ये तो लोग बैठें और फैसला करें कि इस मुल्क में किस डायरेक्शन पे, अभी आपके प्रोग्राम से पहले ही बात हो रही थी, ये कह रहे थे कि भाई जब तक ड्रास्टिक एक्शन नहीं लें, मतलब आपको कोई सख्त कदम उठाएं, अच्छा फिर हम सख्त कदम पर भी डर जाते हैं, हमारी कोशिश ये है कि रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई, आप भी खुश रहें और ये भी खुश रहें, वो पॉसिबल नहीं है। चलें बड़ी बात कह गए हैं, फातमी साहब ने काफ़ी डिटेल बताया है, तो मैं अमीन साहब से पूछना चाहूँगी, अमीन साहब प्लीज़ ये बताइए कि एक तो मार्केट इससे क्या इन्फ्लुएंस ले रही है, कुछ ऐसा है कि अपना अपना नज़रिया है सबका और सबके अपने यू नो नज़रिए के लिहाज से उनका अपना कैसे इम्पैक्ट लेते हैं, वो किस तरीके से वो गुजरती है उनके ऊपर, दूसरा ये कि इकोनॉमी की कंडीशन से मार्केट बहुत हर्ट हो रही है, मार्केट में एक वेट एंड सी की पोजीशन है जिसकी वजह से एक एक्टिविटी रुकी हुई है, ये कितना हर्ट कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी? देखिए बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, इससे इन्फ्लोज भी नहीं आ रहे, आप देखिए रोशन डिजिटल में भी इन्फ्लोज खत्म हो गया बल्कि आउटफ्लो हुआ है,
और उसमें देखें ना, जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी, एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखें स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इकोनॉमी के नंबर्स देखे जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखे जाते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो आपके पास इकोनॉमी के नंबर्स तो आपके बड़े ख़राब हैं, तो ऑब्वियसली प्लस आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वेट एंड सी है। क्योंकि अगर आपको 21% बैठे बैठे मिल जाएगा और आप स्टॉक मार्केट में अगर आएंगे, 15-16% डिविडेंड यील्ड मिलती है, ठीक है, आप इस लेवल पे एक्यूमुलेट करेंगे, यहाँ से 15-20% मार्केट बढ़ सकती है क्योंकि नीचे लेवल पे है, कैपिटल गेन्स हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल लॉसेस भी हो सकते हैं, या फिर कैपिटल गेन पूरे साल में नहीं हो, सिचुएशन का हमें नहीं पता। इसीलिए लोग ज़्यादातर फिक्स में जा रहे हैं, क्योंकि फिक्स में देखा आपका प्रिंसिपल सेफ होता है ना, आपको पता है कि आपका प्रिंसिपल सेफ रहेगा और आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हायर इंटरेस्ट रेट में हमेशा, जब भी हायर इंटरेस्ट रेट हो, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ख़राब होता है। इससे इंडस्ट्री भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो बोरिंग भी है, इवन बैंक्स भी इफेक्ट होंगे, एनपीएल्स भी होंगे। इवन बैंक्स जो 20% रेट अभी जो हुआ हुआ है, लेकिन डिपॉजिटर को उन्होंने वो रेट मैच नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है उनकी बोरिंग हुई हुई है नीचे लेवल पे, तो ऑब्वियसली वो किस तरह से अपने बोरोअर से पैसा कलेक्ट करेंगे, तो एनपीएल्स भी हो सकते हैं। जैसे आईएमएफ की बात हुई, देखिए एक अच्छी चीज़ है कि आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं, एनर्जी में आपने रिफॉर्म्स कर दिया, आपने गैस की प्राइसेस बढ़ा दी, आपने पेट्रोल की प्राइसेस, जो आप सब्सिडी पहले दे रहे थे इतने सालों से, हमें कभी भी नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो हम क्यों दे रहे थे, हम इसलिए दे रहे थे कि हमें इलेक्शन में वोट चाहिए होते हैं, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो ये होता है ना, काम अब जरा पॉपुलर नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी डिसीजन है, देखिए इससे थोड़ी सख्त डिसीजन है, लेकिन इसमें क्या होगा, सर्कुलर डेट आपका नहीं बढ़ेगा, जो पिछला है उसको भी हमें खत्म करना है, क्योंकि हर कंपनीज की बुक्स में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसको सेटल करना पड़ेगा। गैस के जो इशू है, गैस का सर्कुलर डेट है, वो इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपका ना सरप्लस भी आएगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्योंकि इंपोर्ट आपने कर्टेल कर ली है, इंपोर्ट तो आपको कर्टेल करनी पड़ेगी। ये हमेशा से इशू आता है, जब भी आपके आपके पास रिजर्व्स डिप्लीट होते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, आप लोन की तरफ भाग रहे होते हैं। परमानेंट सोल्यूशन है इंपोर्ट सब्सिट्यूशन। आप इसका रिफ्लेक्शन देख लें स्टॉक मार्केट में, जो लोकल कंपनीज जो प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे केमिकल सेक्टर में आप कंपनीज देखें परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि अब इंपोर्ट इतनी नहीं होगी, तो उनको पता है उनकी प्रोडक्शन बिकेगी, तो और वो प्रोडक्शन करेंगे तो उनकी सेल बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या आप इन हाउस मेकिंग कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन हमारी इंपोर्ट सब्सिट्यूशन है? नहीं, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन तो नहीं है। देखिए आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंपोर्ट जब इतनी कर्टेल होगी तो लोकल माल ज़्यादा बिकेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स कर रही हैं, उनको भी फायदा होगा। आप देख लो उनके रिफ्लेक्शन स्टॉक्स में भी आएंगे आने वाले दिनों में, आप देखेंगे तो वो भी ऊपर। अच्छा अमीन साहब, एक आपने स्टार्ट में बात की कि बैंक बोरोइंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, 21% हो जाएगा, या जो भी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, और उसमें भी हमने कहा कि 1% तक है, हो सकता है कि आने वाला पॉलिसी ट्रेंड ये हो। आप समझते हैं कि ये जो एक फिक्स डिपॉजिट वाला एरिया है, या वो जो एक सोच है, वो कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? और ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हैं तो अमेरिका में कितने बड़े बैंक्स जो है वो कितने ज़्यादा लॉसेज बुक कर रहे हैं, और कुछ बैंक जो है वो कोलैप्स भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए, फिक्स डिपॉजिट को देखते हुए, तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर भी चलेगा? और अगर हम यहाँ से कर लेते हैं तो ये क्या यही जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला जो एक चेन है वो ठीक है? देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को वहाँ से कंपैरिजन, हमारे बैंक बहुत सेफ हैं, स्टेट बैंक काफ़ी विजिलेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ के बैंक ऐसे कोलैप्स करेंगे। वहाँ पे देखिए मॉर्गेजेस भी हैं, यहाँ पे मॉर्गेजेस नहीं है। मॉर्गेजेस का क्वांटम कितना है आप खुद देख लें, अगर बैंक से कुछ भी नहीं है, गाड़ियों का भी इतना नहीं है, तो वो इकोनॉमी को इस इकोनॉमी से हम कैसे मैच कर सकते हैं? वो इकोनॉमी इतनी बड़ी है, हमारी छोटी सी इकोनॉमी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के डेट है, और वो रुपया डॉलर प्रिंट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्या रख रहे हैं? आप ही देखें ना, ये भी देखें यूएस स्टैंडर्ड में क्या है, डॉलर्स प्रिंट करते जा रहे हैं वो। ऑब्वियसली वहाँ से पैसा अब जो है ना, अब देखिए कमोडिटीज की तरफ डाइवर्ट करेगा। अब लोग डॉलर बॉन्ड्स नहीं लेंगे, अब हो जाएंगे कमोडिटीज सेफ हेवन होगा। आप गोल्ड देखेंगे, इवन गोल्ड की जो प्राइसेस है आप देख सकते हैं इंटरनेशनल, यहाँ से 10% और बढ़ सकती है, क्योंकि लोग इस तरफ जाएंगे, क्योंकि अब लोगों को फेथ नहीं रहेगा भाई बैंक में पैसा रखेंगे, बैंक से पैसा उड़ जाएंगे। एक लेवल पर इनका इंश्योरेंस है ना, अगर 2.5 लाख डॉलर से ऊपर आप जाते हैं तो वो उसकी उसके उसका गारंटीड नहीं है। तो ये देखिए हमारी बैंक्स को आप बिल्कुल ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते, हमारे बैंक्स के फिनोमेना बिल्कुल डिफरेंट है। और जो बैंकों ने पहले मार खाई है, ऑब्वियसली उन्होंने सबक सीखा है ना, कि उनके भी एनपीएल्स थे एक ज़माने में, तो वो लेकिन अब जो अगर आप रेट और बढ़ाएंगे तो ये हो सकता है कि आपके एनपीएल्स बढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे भी बताया कि बैंक जो क्या कर रहा है, डिपॉजिटर को वो रेट नहीं दे रहा है जो अभी 20% रेट हुआ है, तो बैंक भी देख रहा है, वो भी अपनी पोजीशन को मॉनिटर कर रहा है कि भाई अगर मैं डिपॉजिटर को इतना पैसा बढ़ा दूंगा तो वहाँ से मुझे मिलेगा, वो गैप आ जाएगा, वो गैप आएगा तो लॉसेज आ जाएंगे। तो कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा परफॉर्म करेगा इस सिचुएशन में अपार्ट फ्रॉम बैंक? देखिए अभी आप जैसे मैंने बताया कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स केमिकल साइड पर आप आ जाए, इम्पोर्ट आपकी कटेल हुई हुई है, जो लोकल जो आपकी कंज्यूमर आइटम्स हैं जो इंपोर्ट नहीं हो सकती हैं, उन पे ज़्यादा मेरे ख्याल में तवज्जो देनी चाहिए, उन पे हो सकता है क्योंकि उनकी सेल्स बढ़ेंगी,
उनके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास जब ऑप्शन ही नहीं होगा बाहर का तो आप लोकल प्रोडक्ट्स ही लेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो हमारी लोकल डिमांड भी तो इतनी सारी है और उसको भी तो फुलफिल कर लें तो बहुत एक अच्छा चंक जनरेट कर सकते हैं। हमारी अपनी पॉपुलेशन इतनी है तो उसी की आप अगर देखिए, इतना बड़ा इल्मिया है कि आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों की कर रहे हैं लेकिन आप असेंबलिंग कर रहे हैं। आपको चाहिए कि 10 साल पुरानी गाड़ी आप पहले अलाउ करते थे, लोगों को चॉइसेस मिल जाती थी, महंगी महंगी चीज़ें हमें लेनी पड़ रही हैं। तो ये आपको जो है ना, अगर मैन्युफैक्चरर्स पे भी आपको रिस्ट्रिक्शंस डालनी चाहिए थी कि आप इतने साल में आप सारे पार्ट्स यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन वो कभी भी नहीं हुआ। असेंबली हुई या वहाँ से किटें मंगाते हैं, आप असेंबल करते हैं और आप कर रहे होते हैं, बल्कि आपको इवन नहीं हो कि इतनी प्रोडक्शन करें कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो। अगर आप इनको इतना बेनिफिट दे रहे हैं तो कुछ कुछ गवर्नमेंट को भी फायदा हो, क्योंकि आप जब इम्पोर्ट कर रहे होते हैं तो इम्पोर्ट से आपका एक्सचेंज जा रहा होता है, रिजर्व जा रहा होता है, तो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप उसको मतलब बराबर कर सकते हैं ना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। आपको ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी, जब तक आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएंगे और आईटी पे आप फोकस नहीं करेंगे। हमेशा हम यही रिजर्व के लिए आईएमएफ के पास जा रहे होंगे, सऊदी अरब के पास जा रहे होंगे, कतर के पास जा रहे होंगे, हर कंट्रीज के पास हम जा रहे हैं। क्यों जाएं हम, बिजनेस के लिए क्यों ना जाएं? फातमी साहब प्लीज़ इसके ऊपर हाईलाइट कीजिए कि एक तो अमीन साहब ने कहा कि अब हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन और कुछ ना कुछ चीज़ों पर बैन लगाना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कुछ फैन थे जो एक पहले जो एक तरीके के फैन आ रहे थे उनके ऊपर बैन करके जून से वो दूसरे जो एक फ्रेंडली होते हैं हमारे सोलर पे जो चलते हैं हल्के फैन होते हैं, क्या होते हैं वो अब चलने जा रहे हैं। आप समझते हैं इसी तरीके से कार्स और डिफरेंट चीजें जो हमारी नीड है, जो हमारे लिए अभी मुश्किलात हैं, और अगर वो थोड़ी सी चेंजेस आ जाए उसके अंदर तो हमारी पावर जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल, अमीन साहब ने बिल्कुल सही कहा। होता भी यही है, आदमी ठोकर ही से सीखता है और परेशानियों ही से सीखता है। हमने इस 75 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि हम इतने तसाहुल पसंद हो गए, यानी आइडियलिस्टिक हो गए कि चीज़ें बाज़ार से आ रहे हैं, यानी बच्चों के खिलौने भी बाज़ार से आते हैं, कापियां भी बाज़ार से आती हैं, किताब के कागज़ भी बाज़ार से आते हैं, यहाँ तक कि अच्छे बॉल पेन भी बाहर से आते हैं, है ये एक फैक्ट है। लेकिन जब ये वक्त हम पे पड़ा है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम ख़ास के गवर्नमेंट के लिए कि वो ज़हीन लोगों को, बिजनेस मैग्नेट्स जो शहर के हैं या मुल्क के, उनको बैठा के ये मशवरा करे कि इसका हल जो निकाले वो इस तरह निकाले जैसा आपने फरमाया कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं। अच्छा, तो दो सूरत है उसमें, एक तो इनको इनकरेज करें, उनको ज़रा सख्ती करें, दोनों साथ साथ करें, यानी इम्पोर्ट पे जो गैर ज़रूरी अशिया है उस पर, कुछ चीज़ें इम्पोर्ट आपकी मजबूरी है जैसे बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या बहुत सारे बच्चों के फूड हैं, इस किस्म की चीज़ें जिसमें आप बेबस हैं, मजबूरी है, उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप यूरोप को छोड़ के टर्की से या ईरान से या हिंदुस्तान से इंपोर्ट करना चाहें, जो हमारे लिए ज़रा मुश्किल काम है। अच्छा, आप देखिए ना, हम लोग, मुझे नहीं पता, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हम अक्सर कहते हैं कि हम कितने मुनाफिक हैं कि हम टायर हिंदुस्तान का दुबई से आया हुआ ख़रीदते हैं, वहाँ से नहीं ख़रीदते, जो ही लापता, यानी हमारी कोशिश होती है कि भाई आप इसको कहने की ये मुसलमान है, खत्म, अब क्या जरूरत बताने की कि कहाँ से मुसलमान और रिलीजन वाला तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब, यानी एक टेम्परामेंट हम लोगों ने डेवलप कर लिया ना कि भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि चूंकि मैंने बहुत तवील अरसा बाहर गुजारा, वहाँ सबसे ज्यादा जो मैंने न्यूयॉर्क में बड़े शोरूम्स देखे और बड़े जो डिपार्टमेंट स्टोर, उसमें यकीन करें अरब, जीव और मुसलमान पार्टनर्स हैं। यहाँ हम सिवाय बददुआओं के कुछ नहीं करते, इसी में पूरा हफ्ता गुजारते हैं कि उनकी तबाही के लिए दुआ। ये प्रैक्टिस आपको ख़त्म करनी, तजारत बिल्कुल अलग है और आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी फीलिंग है, आपका इत्काद है, आपका ये तो नेबरिंग कंट्री का आप मुहावरा दे रहे हैं कि यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, सबके लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे, देखिए ना, ईरान से इतनी स्मगलिंग होती है हमारी, भले उसमें डीजल भी शामिल है और उसमें सारे फूड आइटम शामिल हैं। अरे भाई, तो जब स्मगलिंग हो तो आने दोनों भाई। इसी तरह आप देखिए, मैं आपको तो नमक यहाँ से हिंदुस्तान जाता है जो हमारा दुनिया का मकबूल, वो दुबई के रास्ते जाता है। अरे भाई, तो डायरेक्ट भेज दो, नफा 4 गुना हो जाएगा। मतलब इधर से हाथ घुमा के नाक पकड़ने, इधर से ज़रूरत क्या सी। तो कुछ चीज़ें आपको अपना दिल बड़ा करना होगा, दिमाग खुशादा करना होगा और खोलना पड़ेगा, और ये सोचना होगा कि जो अहद जदीद में आप जिंदा हैं, इट इज़ ए एज ऑफ कमर्शलाइजेशन, इट इज़ ए इकोनॉमिक सिविलाइजेशन है, ये फिलोसफिकल सिविलाइजेशन नहीं, ये हिस्ट्री सिविलाइजेशन नहीं, ये वॉर सिविलाइजेशन नहीं है कि वो ज़माना चला गया जब आप फौज लेके आए, कब्जा किया, मार धाड़ के बादशाह बनाए, 600 साल हुकूमत किया, टाइम इज़ गॉन। अब आप नेपाल जैसे और भूटान जैसे छोटे से मुल्क को भी टच नहीं कर सकते, क्योंकि एक कायदा कानून बन गया है। तो आप उससे फ़ायदा उठाएं, और मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूं कि जितना इनकरेज कर सकते हैं आप,
लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आप यकीन करें आप घर घर इंडस्ट्री लगवा सकते हैं, घर घर कोई बड़ी नहीं, 50 लाख से 20 लाख से 10, जी आप बताया। इसमें मैं ऐड करूंगा, देखिए मैं जब एसोसिएशन का चेयरमैन भी रह चुका हूं पाकिस्तान केमिकल के, तो हमने कहा था उस जमाने में कि इंडिया से आप इतनी इंपोर्ट कर दें और इतनी एक्सपोर्ट कर दें, उसको नलिफाइड कर दें, क्योंकि केमिकल आइटम कितने ऐसे आते थे रॉ मटेरियल जो आपको बहुत सस्ता मिलता है, तो आप इंडिया से इंपोर्ट कर लें और इतनी एक्सपोर्ट यहाँ कर लें, अगर आप चाह रहे हैं कि ठीक है उनको भी फायदा नहीं हो, ट्रेड डेफिसिट जीरो, जितनी इंपोर्ट हो उतनी एक्सपोर्ट हो, तो ये तो हम कर सकते हैं ना, कम से कम नेलिफाइड हो ना उसको एडवांटेज हो ना हमें एडवांटेज हो, इंपोर्ट हो और एक्सपोर्ट इतनी बराबर होनी चाहिए, तो जो हमारी नेसेसिटीज है जैसे फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल आता है वहाँ से सस्ता पड़ेगा, केमिकल से रिलेटेड वो सस्ता पड़ेगा, तो इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा ना। देखिए इंडस्ट्री अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को अगर रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएगी, काम करने के लिए और हमें अपने बेनिफिट देखने के लिए जो चीज रीजन के अंदर मौजूद है और आपको ईरान से करें, ईरान से अब देखिए सऊदी अरब का रिलेशन से करें, सौदा लेने जाती हैं तो क्या कोशिश होती है कि आप नियरेस्ट दुकान से लेना, आप कहें आप यहाँ से बैठ के कहेंगे कि जब मैं जा रही हूँ स्टील मिल से लेके आऊंगी सब्जी और वो भी महंगा, तो बार्टर सिस्टम कर ले, आपके करीब बार्टर सिस्टम कर ले, बार्टर सिस्टम सबसे बेस्ट है, आपको डॉलर पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, आप यकीन करें इस पे हम काम ही नहीं करते, बार्टर इतना पावरफुल सिस्टम है कि भाई आपको दिया आपसे लिया, खत्म हो कोई बात ना कोई। अभी रिसेंट पास में हमने कर्गिस्तान से ये डील की है कि गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स की, सो हमें ऐसी ही डील सबसे ट्रेड एग्रीमेंट्स पे या फिर गुड्स एंड एक्सचेंज यहां से कहते ना कि व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर पॉकेट, ये है ना कि शाम में आपके जेब में क्या आ रहा है, यही है ना सारा खेल, और तो कोई खेल नहीं है। तो आप ये देखें कि मुल्क में एक रुपया भी कहीं से आ रहा है ना तो वो आ रहा है, जा नहीं रहा, भाई ये फिलॉसफी आप अपना लें कि एवरी पेनी, वो बकौल वो एक यहूदी हमारा बहुत बल्कि बॉस था जब मैंने नई नई स्टूडेंट लाइफ में जॉब शुरू किया, तो वो कहता था कभी तुमने सुना है किसी आदमी के बारे में कि ये डॉलर वाला, वो कहते पेनी वाला है, पैसे वाला है, हम लोग क्या उर्दू में भी आप देखिए कहते पैसे वाला आदमी, ये थोड़ी कहते हैं रुपये वाला आदमी, तो पेनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, आप ये सिखाइए कौम को, ये तो आप जो यहाँ 5 पैसे 10 पैसे फेंक देते हैं ना यूं ही फकीरों को ना, दैट काउंट्स मनी, आप ये बच्चों को समझाइए, शोर दीजिए। देखिए इसमें एक चीज और भी होनी चाहिए, देखिए ट्रेड और बिजनेस को और पॉलिटिकल सिचुएशन को मिंगल नहीं करें, ट्रेड तो अपनी जगह पे चलनी चाहिए, आपको जहां से बेनिफिट होता है वहां से आप ट्रेड करें, आपके अगर ताल्लुका जैसे भी हैं वो ठीक है, आप ट्रेड को किससे इफेक्ट नहीं करें, बिजनेसमैन तो बिजनेस करना चाह रहा है उसके लिए तो कोई भी बॉर्डर्स नहीं होती, तो बॉर्डर्स पे कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए, इस पे काम करने की जरूरत है, हर कंट्री से बिजनेस करें, हमें फायदा हो रहा है हम उससे बिजनेस करेंगे, हम अपना फायदा देखें मुल्क का फायदा देखें, रशिया के हवाले से पूछना चाहती हूँ, रशिया का एक कंसोर्शियम या पाकिस्तान आ रहा है, क्या समझते हैं आप इस विजिट के अंदर क्या हो सकता है? अच्छा वो देखिए असल में नवंबर में जब मुसद्दक साहब गए थे, मुसद्दक मलिक साहब, तो उन्होंने आके खुशखबरी दी थी कि रूस से हमारे मामलात हुए, उसके बाद आपने देखा उनका एक बड़ा डेलीगेशन, मेरा ख्याल 40 के करीब लोग थे या उससे ज़्यादा ही थे शायद, याद हो है ना, रशिया से आया था 80 लोगों का। अच्छा लास्ट मंथ आया वो बड़ा कामयाब रहा, अब हम देखिए इतना कामयाब रहा कि सही मानों में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डन है, उसकी वजह कि अब डेलीगेशन नहीं आ रहा, अब उनकी जो गवर्नमेंट पेट्रोलियम कंपनी है और पाकिस्तान की तरफ से पीएसओ हमने रखा है सामने, यानी अब ये दो G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस हम करने जा रहे हैं। अच्छा जब इस मेज तक आने का मतलब ये है कि पिछली सारी रुकावटें खत्म हो चुकी, जब यहाँ पहुंचे ना हम, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत गिरने के बावजूद क्रूड ऑयल 73 और ब्रेंट वालों का जो सबसे महंगा समझाता $73 पर बैरल है, रूस का रेट G7 की मजबूरी की वजह से क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के बाद काफी रिस्क $60 है। रूस से हमने जो बात की जो अब तक हमारी खबरें आ रही हैं वो ये कि रूस उस पर भी हमें कंसेशन देने को और हमारा ख्याल है कि $48 से $50 पर बैरल मिल जाएगा। अच्छा अब उसमें ऑयल पे नहीं करेगा तो वो गैस पे कर देगा कंसेशन ज्यादा कर देगा, नहीं उसके बाद उसमें जो एक इशू आ रहा है थोड़ा सा जिसके कॉस्टिंग को और कंपल्सरी वो है शिपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, वो 10 से $15 बैरल पड़ा, उस पर भी उन्होंने ये आसानी देने के लिए रजामंद हैं कि वेदर दे कैन ट्रांजिट इट और आप PNSC के शिप से मंगवा लें अगर आप, लेकिन कॉस्टिंग तकरीबन, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप यकीन करें बहुत बड़े फॉरेन एक्सचेंज से आप बच जाएंगी, प्लस रूस से
अगर आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात तो आउट ऑफ द वे आप रूस को बेशुमार चीज़ें जो हमारी एक्सपोर्ट है जो आपने अभी पहले कहा था आप उनसे कह सकते हैं कि भाई देखो ये दे रहे हो ना पैसे तो ले ही रहे हो लेकिन अगर तुम चाहो तो कम से कम इस पैसे के 80% तो मुझसे ये ले लो ना यार ताकि हमें पैसे फौरी तौर पर ना देना पड़े। तो ये एक बहुत अच्छा पर रूस करीब है आपके आपके पास रूट्स बहुत आसान है आने जाने के तो आपके पास बिजनेस आसान हो जाएगा। अच्छा अभी रूस का मामला और बेहतर आप यूटिलाइज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सऊदी और ईरान की अच्छे ताल्लुकात की वजह से क्योंकि वो भी एक हर्डल है हमारे लिए बीच में एम्बेसीज खुल गई उनकी इतने देखे ना बाद, वेस्ट का जो प्रेशर था हमारा वेस्ट का जो प्रेशर जिसकी वजह से ईरान से आपकी लाइन नहीं बिछ सकी वो यही प्रेशर था ना कि ईरान की वजह से नहीं दे रहे अच्छा तो वो प्रेशर भी अब टूट जाएगा। बात सिर्फ आके यहाँ पे रुकती है जिस पे मैं अचानक रुक जाता हूँ वो ये कि वेदर वी कैन इम्प्लीमेंट दिस और क्योंकि होता यह है हम खुशी में इतने बेगाने हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं और फिर साल गुजरने के बाद फिर सोचना शुरू करते हैं कि भाई ये मिस कर दिया ये मिस कर दिया। तो जैसे मैं आपको बताऊँ अमूमन आप किसी पामिस या किसी बड़े आदमी के पास जाने किस्मत का तो वो कहता है आपको ये अपॉर्चुनिटी इस साल मिले कहता है मतलब अमूमन आम सी बात हकीकत बताएं अपॉर्चुनिटीज इज नेवर ऑल द टाइम अपॉर्चुनिटीज का कुछ वक्त होता है खास तौर पे जब आप पे बुरा वक्त आता है या हर्डल आता है या जब नाइट आती है तो उसी के बाद सुबह को अचानक रोशनी निकलती है एंड दैट्स द टाइम सुबह को जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 1 बजे तक लोग सोते रहते हैं तो फिर रोते रहिए आप मतलब फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी आपको अगर आप अगर तो ये अवेल कर लेंगे रशिया की अपॉर्चुनिटी तो आप यकीन करें बहुत अच्छा। फिर वो यहाँ डैम पे भी डैम कंस्ट्रक्ट भी करने को तैयार हैं इन्वेस्ट भी करने को तैयार और आपको क्या चाहिए तो अगर हम नहीं कर सके तो हमें अपने आप को मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहिए। 2012 के बाद इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे लिए ओपन हो रही है इसमें एफडीआई भी आ सकती है देखें एफडीआई भी आ सकती है इस एस्पेक्ट में अगर आप लेके आ रहे हैं तो दूसरे आप जॉइंट वेंचर्स भी कर सकते हैं बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है फार्मिंग हम ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं हमें यील्ड बढ़ानी है एकड़ की तो हमें नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी तो ये इस पे काम और प्लस देखिए लास्ट पिछली गवर्नमेंट ने किया था जब ऑयल की प्राइसेस नीचे गई थी उसने हेज नहीं किया अब हमें जब ऑयल की प्राइसेस नीचे आती है तो हमें उसको हेज करना चाहिए पहले से हमें ऑर्डर्स बुक कर लेने चाहिए क्योंकि देखिए हमारा मेन मसला क्या है ऑयल की हमारी जो इम्पोर्ट होती है वो बहुत बड़ा बिल है अगर हम उसको प्लान कर लें कि 5 ईयर्स में हमारी कितनी डिमांड है कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी और उसके बेस पे अगर हम उसको हेज कर लेते हैं तो जो हमारे जो मसले अभी आ रहे हैं होते भी नहीं बिल्कुल। अच्छा आपने ऑयल का जिक्र किया तो मैं पूछना चाहूँगी कि ऑयल अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है अब फातमी साहब ने ब्रेंट का जिक्र किया आप क्रूड देखें WTI यहाँ पे 67 बिलियन डॉलर पर बैरल अच्छा बिलियन पर बैरल और यहाँ पर 73 दिख रहा है हमें जो है वो क्रूड आप क्या समझते हैं कि हम तो अरब लाइट ले रहे हैं क्या हम यहाँ पर अब कुछ बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि अब तो यहाँ पर प्राइसेस कम हो चुकी हैं हमारा इम्पोर्ट बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है लेकिन देखिए उसमें टैक्सेशन भी है प्लस मसला सिर्फ एक ये भी है कि कन्वर्जन जब आप करते हैं तो आपकी करेंसी तो आपके हाथ में नहीं है स्टेबल नहीं है एक लेवल पे आ गए करेंसी अगर आपकी स्टेबलाइज हो जाती है फिर आप बेनिफिट दे सकते हैं ना अगर आप अभी कैसा बेनिफिट दे सकते प्लस आपने जो पुराना सर्कुलर डेट है इतना आसान नहीं है करेंसी भी है और प्लस देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के जो सब्सिडी दी जाएगी टारगेटेड ये अच्छा इनिशिएट है क्योंकि देखिए जो डिजर्व करते हैं उनको ही दिया जाए। मैं तो इवन कहूँगा कि यूटिलिटी स्टोर्स जो आपने खोले इसको भी आप बंद करें आप कैश डिपॉजिट लोगों को दें क्योंकि इस पे आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लगाया हुआ है लोगों को आप चीज़ें दे रहे होते हो इससे बेहतर है कि उसको कैश दे दें बेनिफिट दे दें अगर आपको आइडेंटिफाई लोगों को कर सकते हैं कि ये ज़रूरतमंद है जो डिजर्व करते हैं उनको आप कर सकते हैं क्योंकि जब आप यूटिलिटीज़ में कर रहे हैं तो वैसे भी कर सकते हैं उसको आपको प्रॉपर चेक करना है ना कि देखिए उसी बंदे को मिले जो डिजर्व करता है तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि लोग फाइलर नहीं है टैक्सेशन नहीं जीरो रिटर्न भी दुनिया भर में अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको जीरो रिटर्न आपने इनकम नहीं भी की हो तो आपको फाइल करना मैंडेटरी होता है उससे क्या होता है आपका डेटाबेस आ जाता है कि इस बंदे की कितनी इनकम है फिर आप उसको सही तरह से उसको इंसेंटिव दे सकते हैं तो कैश जो इंसेंटिव होता है दुनिया भर में इसी तरह से दिया जाता है कि अगर आप यूटिलिटी स्टोर्स का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है सारी चीज़ें मिला लें तो आप उस पर काफ़ी चीज़ें अपने वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज तो वो रिसोर्सेज अगर आप वेस्ट नहीं करें और लोगों को एडवांटेजेस डायरेक्ट मिल जाए तो जो महंगाई का मसला काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं। महंगाई का मसला है इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट है अब आप समझते हैं क्या अगेन पॉलिसी रेट भी इसी से इम्पैक्ट लेते हुए दिखाई देगा एंड इफ यस तो क्या गारंटी है कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। देखिए यही वजह है देखिए आप कन्वर्जन जब करते हैं तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं जब चीज़ें महंगी होंगी तो फिर क्या होगा आपका जो बास्केट है स्टेट बैंक अगर जो देता है किस
प्राइसेस पे चीज़ें मिलती कभी नहीं मिलती। आप जाएं आपको जो प्राइसेस होती है उस पर कोई भी चीज़ कंज्यूमर को नहीं मिल रही होती, इन्फोर्समेंट नहीं है, आपके पास चेक इन बैलेंसेस नहीं है कि जो चीज़ अगर लिस्ट पे दी हुई है उस प्राइस पे बिक रही है, नेवर, कभी नहीं होता। और जब प्राइसेस घटती हैं तो उसका एडवांटेज मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो आपको ऐसे ग्राउंड लेवल पे चीज़ें बनानी पड़ेंगी, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, उस पर फाइन्स भी लगाने पड़ेंगे अगर कोई इस तरह से मिसयूज़ कर रहा है। अगर आप उसको फाइन लगाएंगे, देखिए जब तक हैवी फाइन नहीं लगाएंगे तो लोग नहीं सुधरेंगे, वो कहेंगे कोई आता ही नहीं चेक करेगा, वो चले जाएगा। तो ये मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा। फाइन आप समझते हैं? देखिए अगर कोई महंगी चीज़ें बेच रहा है तो उस पर आप फाइन लगा दें, हैवी फाइन लगा दें, या उसको अगर वो शॉप है तो उसको आप सील कर दें। उस पर आपने हैवी फाइन, जब तक आप देखिए मिसयूज़ कर रहे हैं ना वो तो रिसोर्सेज को, अगर आप फिर तो वही वाली बात है, गवर्नमेंट अगर कह रही है तो उसको माना नहीं जा रहा। अगर आप सिग्नल तोड़ रहे हैं तो आपको फाइन लगता है ना, आपको पुलिस ऑफिसर पकड़ता है। तो अगर आप चीज़ें जो लिस्ट पे ऑटोमेटिकली लोग सीधे जाना शुरू जाते हैं, 2 से 3 बार फाइन होता है। देखिए बाहर जाते हैं तो लोग देखते हैं कि सिग्नल तो तोड़ना ही नहीं है, तोड़ने तो फाइन देना पड़ेगा, और उसकी उस पर कुछ है ही नहीं डिजिट। देखिए सारी चीज़ें जब तक आप जो फाइन्स होते हैं वो भी डिजिटल होनी चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन जब तक कम नहीं करेंगे ना तो यही होगा कि पैसे दे के बंदा छूट जाएगा। तो ये जो आपको फाइन करता है और लेने वाला अलग हो, फाइन करने वाला अलग हो, तो दोनों अलग अलग एंटिटी होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा किसके पास आपने जाना है। तो सिस्टम आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि जो आपको पेनलाइज कर रहा है वही आपसे वसूली करेगा, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास तो पावर है। राइट, तो आप समझते हैं कि फाइन देने वाला और वो जो बिल्कुल सेग्रीगेट या डिजिटल सिस्टम कर देगा, गवर्नमेंट के डायरेक्ट खजाने में जमा हो जाए अकाउंट में। फाइन होना चाहिए ताकि उससे लोगों के अंदर एक हम कह सकते हैं सलाहियत पैदा हो, ताकि वो कानून को भी फॉलो करें, टैक्स भी रिटर्न फाइल करें और अपने टैक्स सिस्टम को भी सही करें। ये जो आपने कहा ना बिल्कुल सही है कि आपकी कोई आमदनी नहीं ना, जीरो मैंडेटरी है फिर भी। हाँ। उसकी वजह असल में देखिए टैक्स का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आप हुकूमत को पैसे दें, टैक्स का ये भी मतलब होता है कि आपकी मौजूदगी मौजूद है। जैसे नादरा, तो आपकी मौजूदगी तो कि आप इस मुल्क में सर्वाइव कर रहे हैं और बगैर टैक्स दिए, इसके मतलब बिल्कुल परेशान हालात भी, तो कम से कम गवर्नमेंट को मालूम है ना कि भाई आप जीरो दे रहे हैं लेकिन आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब आप नहीं देते तो इसके मतलब आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं, मतलब है मुआशरे में ये नहीं, किसी को नहीं पता आपको। तो ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी टैक्स, इसीलिए देखिए बाहर भी ऐसा थोड़ी है कि हर गरीब आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि सिर्फ फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल को तो उन्होंने रखा ही है। अच्छा, उससे गरीब आदमी की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये गरीब है, इसकी मदद हो सकती है इस तरीके से। उसी बुनियाद पर वहाँ देखिए मैं आपको बताऊँ, वहाँ बहुत से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको वो फूड स्टैम्प देते हैं, तो किस बुनियाद पे देते हैं? इसी बुनियाद पे देते हैं कि उनकी आमदनी इतनी कम है कि वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, वो कहते हैं कैश दे देंगे तो हो सकता है मिसयूज हो जाए। फूड स्टैम्प का मतलब सिर्फ खाने की चीज़ें वो खरीद सकता है जाके दुकान से मुफ्त में। तो सवाल ये कि अगर आप बताएंगे नहीं कि ये हमारा ये वाला तबका गरीब है तो हुकूमत को कैसे पता चलेगा, है ना? इससे बैगिंग भी कम हो जाएगी, शेल्टर भी दिया जाता है जिसके पास होमलेस है उसको शेल्टर भी दिया जाता है कि खाने का नहीं है, उसके पास रहने की जगह नहीं है। राइट, मैं फातमी साहब एक चीज और पूछना चाहूंगी, वो ये कि अभी हम रशिया के हवाले से बात कर रहे थे, डैम भी बनेगा तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एडिशन होगा। हमारे यहाँ एक हम पहले भी फ्लड भुगत चुके हैं तो वो भी एक सेविंग आ जाएगी हमारे पास। आप क्या समझते हैं पावर जनरेशन में कितना मदद करेगा, क्योंकि हो ना हो हमारे लिए जो इशू बन जाता है, समर सीजन भी आ रहा है, क्या अभी तो नहीं तैयार होगा, डैम बनने में भी टेक्स टाइम फॉर 2 इयर्स 3 इयर्स, लेकिन आप समझते हैं कि ये पावर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा? सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा इस वक्त, आप ये देखें ना, अभी मैं आपको तो शायद लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने कहा पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज ने हिला के रख दिया, अच्छी अच्छी कौमें इस वक्त परेशान। आप बदकिस्मती देखें कि 2 साल कोविड से गुजरे हम लोग, हम नहीं पता पूरी दुनिया गुजरी। अच्छा, उससे अभी कमर बमर सीधी हो रही थी कि सैलाब आ गया है हमारे यहाँ, और आप यकीन करें चाहे तो आप जाके खुद देख लें, अभी तक जो सैलाब जदगान इलाके हैं वहाँ लोगों की आबादकारी नहीं हो पा रही है। कोई और तूफान या जलजला या कोई इस किस्म की आफात आ जाए तो आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि है क्या? देखिए ना, जब आपके पास तूफान या जलजला आया, आपने जेनेवा में भी बात की और 9 बिलियन की 3 साल के उन्होंने कर्जे भी दे दिए, मतलब अप्रूव कर दिया। सवाल ये है कि हमारे पास क्या, अच्छा इसका तरीका ये भी है, देखिए मैं आपको तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, शफाफ हुकूमत बताती रहे कि जनाब इस बताती है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं होता कि भाई इतने लोग बेघर हुए थे उसमें से 500 लोगों को हमने घर दे दिया, बताए उसकी तस्वीर दे दे भाई कि भाई ये हो गए, या इतने लोगों का फर्ज कीजिए पूरा सेवरेज सिस्टम तबाह हो गया हमने बना दिया। तो नतीजा ये है कि हम लोग हमेशा पाकिस्तान में, अच्छा बहुत से वक्त हमारी मालूमात सिफर होती है,
जब सिफर होती है तो हम जज्बाती होते हैं, हम सड़क पे निकल आते हैं, लोगों को गालम गलोच शुरू कर देते हैं, प्रोपेगेंडा के अंडर में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास, आम आदमी के पास, या तो शऊर नहीं है, और शऊर है तो इल्म नहीं है। ईदर ऑफ द टू प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि देखिए ना, अगर आपको, आप, मैं घर में हूँ, अगर मेरे बीवी बच्चों को पता है कि आजकल मेरा बाप बेरोजगार है, और मैं उसको रोजाना सिचुएशन बता रहा हूँ कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, नहीं हो रही, तो बच्चे भी कहेंगे कि भाई रहने दो, अभी आज मतलब एक टिफिन रहने दो, मैं आके खाना, है ना। लेकिन हम रोजाना मौज पे ताव दिए घर चले आ रहे हैं कि नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र, एवरीथिंग इज फाइन, मैं तो अभी बैठा हुआ था, भाई वहाँ से आ रहा हूँ खाना खा, बच्चे कहेंगे कि भाई आप होश में हैं, मतलब हमें क्यों मार रहे हैं यहाँ बैठ के। तो देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो कौमों को बनाती हैं, मैं सीरियस कह रहा हूँ। अच्छा, वो मैं बाहर वो सिखाते थे कि कभी भी बड़े प्रॉब्लम्स को ना देखो, छोटे, आपको तलवे में चींटी काटे वो ज्यादा तकलीफ दे बनिस्बत घुटना टूट जाए, आप यकीन करें। तो ये चीजें आपको मुआशरे में, और दैट इज द ओनली शो, बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था, आपको अपने तमाम शोबों में से बजट की कटौती करनी पड़ेगी, जहां गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसकी हम बरसा बरस से देख रहे हैं कि जरूरत नहीं है, हमें वहां कटौती करके उन चीजों पे लगाना होगा, एक। और दूसरी उससे अहम बात ये कि आप अंदाजा करें कि जितना भी जीडीपी में हमारा इजाफा होता है, उससे तकरीबन 19 या 20 उतने ही बच्चे पैदा हो जाते हैं पाकिस्तान में, कमोबेश। तो आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल, देखिए ना, मतलब आप कैसे कर, मतलब आपकी आमदनी 10 रुपए पड़ी और 3 अदद साहबजादे आ गए, तो कहां से चलेगा। ये सीरियस मसाइल है जिसपे समझ, मतलब जिसपे बहस करने की जरूरत नहीं, ना मजाक करने की जरूरत, इट इज ए वेरी सीरियस कि भाई अगर आपकी मतलब पॉपुलेशन कम करने को आप तैयार नहीं, आमदनी बढ़ाने को आप तैयार नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप तैयार नहीं, इंपोर्ट आप धड़ाधड़ करके खुश हो रहे हैं, तो फिर मतलब फरिश्ते आके तो इकॉनमी नहीं चला, इकॉनमी आपको हमको ही चलाना ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे 8 से 12% सिर्फ एजुकेशन हेल्थ पे खर्च, और उस एजुकेशन में फिर आप तय कर लें कि अहद जदीद को किस चीज़ की ज़रूरत है, तारीख जोग्राफिया की ज़रूरत है या आईटी की ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है, टेक्निकल की, मैकेनिकल की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत, उतने लोग आप पैदा करें, बढ़ाते जाए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक वक्त था भुट्टो साहब के ज़माने में, उसके पहले बहुत मज़दूर जाते थे बाहर। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد डिप्लोमा होल्डर लेबर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो मैं ये कह रहा हूं कि बजाय हर दिन हम सोचने के लेटर, जैसे आज अखबार में बहुत अच्छा एड था, बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूल की एजुकेशन शुरू, दैट इज अ वेरी गुड, अच्छी चीज है. आप इसी तरह, मैंने तो आपको शायद याद हो प्रोग्राम में कहा था कि जो 5-5 लाख वजीर आजम लोगों को, 50-50 लाख लोगों को दे रहे हैं वजीफा या कर्ज, उसकी जगह तय कर दे कि हर महल्ले में सिर्फ 300 बच्चों का स्कूल खोला जाएगा. स्कूल की जो बच्चों की फीस है ये गवर्नमेंट यही 50 लाख लोन में से कवर करेगी, लोग पढ़ाएं और निकाल. कितना लगेगा, 2 साल 3 साल 5 साल. इसी तरह डैम, आपने कहा ना डैम हमारे यहाँ मेरा ख्याल आपकी उम्र से पहले से बंद हो गया. हम लोगों ने डैम वैम फारिग करके साइड में रख दिया कि जरूरत ही नहीं खामोखा. डैम तो भाई रेगुलर बुनियाद पे बनना चाहिए, मतलब डैम कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि हो गया तो हो गया. यानी 60 की दहाई के बाद कोई प्रॉपर डैम आपके यहाँ नहीं बने, है ना, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो. अच्छा, तो इसलिए अब ये वो चीजें हैं जो हम डिस्कस तो करते हैं, लेकिन करना तो सरकार को, हम थोड़ी कर सकते हैं, सीधी सी बात. इम्प्लीमेंट के जो है वो इश्यूज आ जाते हैं. अमीन साहब प्लीज़ ये बताइएगा कि जो आने वाले दिन हैं मार्केट के हवाले से, क्योंकि 2 दिन बाद रमज़ान भी स्टार्ट है, एक्टिविटीज़ क्या दिखाई दे रही हैं? देखिए रमज़ान में ऑलरेडी एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि आवर्स आपके जो है ना ऑपरेशन के कम होते हैं, हमेशा से देखा गया. लेकिन अब यही वाली बात है कि IMF अगर मेटेलाइज हो जाता है, कोई अच्छी न्यूज़ होती है तो मार्केट ट्रिगर करेगी, ट्रिगर बिल्कुल करेगी. कि उसकी वजह ये कि मार्केट नीचे लेवल पर है, इस लेवल पर तो बाइंग बनती है क्योंकि जो भी अगर 1-2 साल के लिए पिक करेगा, देखें सिचुएशन हमेशा तो ऐसी रहनी नहीं है, ऐसे ऐसे चीज़ें चेंज होनी है. तो ऑब्वियसली एक तो कैपिटल गेन मिल सकता है प्लस डिविडेंड यील्ड है. अब वही वाली बात है जो वरी कर रहा है वो है इंटरेस्ट रेट है. इंटरेस्ट रेट अगर और बढ़ जाते हैं 1% जैसे एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मार्केट के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट पर, ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ लोग डाइवर्ट करेंगे और फिक्स इनकम पर जाएंगे. तो आप समझते हैं कि अब जो मार्केट की एक्टिविटीज़ या नंबर्स चल रहे हैं वो यही वेट एंड सी की पोजीशन, कॉशियस स्टैंस? देखिए वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है. 1% अगर होता है तो, अगर 0.5% होता है, कट कम होता है. थोड़ा सा अगर जनरली देखें तो मार्केट के नंबर्स तो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, अगर ब्लू चिप देखें. जी बिल्कुल, बहुत अच्छे. जैसे मैंने कहा कि अगर जो इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स करेगा, देखिए 6 महीने की बात नहीं, और अगर 1 साल या 2 साल व्यू बनाकर वो अच्छे स्क्रिप्ट लेता है जिनमें डिविडेंड यील्ड है, जिनमें ग्रोथ है, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया जिन कंपनीज में लोकल प्रोडक्शन है उनकी सेल्स ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब इंपोर्ट रुकेगी तो यहाँ पे उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी, तो उनको भी टारगेट करना चाहिए. और वही वाली बात है, प्रॉपर होमवर्क करें और किसी के कहने पे नहीं जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप अपनी खुद कर रहे होते हैं, नुकसान भी आप खुद ही बर्दाश्त कर रहे होते हैं. इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. वेल थैंक यू सो मच अमीन यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस. फातमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए. आज के दिन हमने डिस्कशन की IMF में डिले, ये हमारे लिए एक चिड़ बनता जा रहा है, लेकिन इस ऑब्वियसली इसको भी हमें सही करना है और IMF की जो दी हुई डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करने के बाद ही हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रेट होते हुए दिखाई देगी. हमने काफ़ी चीज़ें सेट कर ली हैं, टैक्सेशन सिस्टम है, कुछ चीज़ें सेट हो गई हैं, कुछ चीज़ों में अभी भी रिफॉर्म्स की गुंजाइश है, और ये रिफॉर्म्स होने के बाद डेफिनेटली हमारे लिए न्यू IMF की जो हम कह सकते हैं ना डोर्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये तरीके से सेट हो जाते हैं. दैट्स इट. इसी नोट पर आज हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.